Namaskar Mitro. Today we will discuss about the principle of nature cure. So the first principle of nature cure is body heals itself. That means शरीर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है. अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट हो जाती है, तो अगर आप कोई ऑइंटमेंट या मेडिसिन उस पर नहीं भी लगाएंगे तो भी कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी. अगर आप कई और एनिमल्स को देखें, जैसे कि छिपकली आपने देखी होगी, कभी भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में वो अपने टेल को गिरा देती है और बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है उसके अंदर वो धीरे धीरे कुछ समय बाद उसकी टेल वापस आ जाती है. आपने कुछ जैसे डॉग्स वगैरह को देखा होगा, उनको कोई इंजरी हो जाती है तो वो अपनी जीभ से उसको दिन में कई बार चाटते रहते हैं और धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है. तो वो जो सैलाइवा अपने उस इंजरी पर लगाते हैं, वो सैलाइवा जो है एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, बाहरी बैक्टीरिया और वायरसेस की को समाप्त कर देती है. ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो वो अपने आप ही हील होती है. हम ऊपर से जो ऑइंटमेंट उस पर लगाते हैं, जो एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, उसका काम सिर्फ इतना है कि बाहरी पैथोजन को अंदर आने से रोकना. बाकी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो हमारे शरीर में अपने आप होती है. तो इस बाहरी इंजरी की घटना से आप समझ सकते हैं कि बॉडी में अपने आप को ठीक करने की क्षमता खुद होती है. इसी तरीके से अगर हमें कोई डायबिटीज हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, मोटापा है, ऐसी कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी शरीर में आती है, तो शरीर अपने आप प्रयास करता है, उसको ठीक करने में लग जाता है, है ना. तो ये ठीक करने की जो इनहेरेंट क्षमता है शरीर में, हम नेचर क्योर में बोलते हैं, हम इस क्षमता को अच्छे से बढ़ाएं ताकि शरीर अपने आप को खुद ठीक कर सके. अब ये जो क्षमता है हीलिंग की, वो कैसे बढ़ेगी और कैसे उस बॉडी की हीलिंग पावर को हम यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है इसको अच्छे से उपयोग करने के लिए हमें शरीर को एक अवसर देना पड़ता है, एक मौका देना पड़ता है. वो अवसर, वो मौका शरीर को कैसे मिलता है? जब हम उसको रेस्ट देते हैं, हम उसको आराम देते हैं. अब यहाँ रेस्ट की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है. यहाँ रेस्ट, हम तीन प्रकार से रेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फिजिकल रेस्ट, दूसरा है साइकोलॉजिकल रेस्ट, तीसरा है फिजियोलॉजिकल रेस्ट. फिजिकल रेस्ट मीन्स ओवर एग्जर्शन नहीं करना, इतना ज्यादा काम नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करना, ताकि हमारे बॉडी की एनर्जी सेव हो और शरीर की हीलिंग की प्रोसेस में लगे. उसके बाद है साइकोलॉजिकल रेस्ट, जैसे कि हमने बाहर का काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन लगातार घर पे बैठे हुए अपने व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, या बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठे हैं. तो ये मेंटल स्ट्रेस जो होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है, वो भी हमारे शरीर को लगातार एक तनाव देता रहता है, जिसके कारण से हमारी हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होती है. दूसरा है फिजियोलॉजिकल रेस्ट. तो फिजियोलॉजिकल रेस्ट क्या होता है? आपके शरीर में लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, इन सबको भी तो आराम की जरूरत है. हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए आपकी इंटेस्टाइन, आपका लिवर, किडनी लगातार काम में लग जाते हैं. और हम जब रेस्ट करने की प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वो अच्छा अच्छा खाते हैं और समझते हैं कि नहीं, आज तो हमने बहुत बढ़िया से एंजॉय किया, रेस्ट किया, हमारी बॉडी को रेस्ट मिला. लेकिन नहीं, आपको शायद फिजिकल रेस्ट मिल गया हो, आपको शायद साइकोलॉजिकल रेस्ट मिल गया हो, लेकिन आपका फिजियोलॉजिकल रेस्ट अभी भी नहीं हुआ. आपने जो भी बाहर का खाया है, जो कि डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है, उसको पचाने के लिए लगातार आपको आपकी लिवर और किडनी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है. इसलिए फिजियोलॉजिकल रेस्ट का मतलब है कि इजिली डाइजेस्टेबल फूड को लिया जाए, जो आधा घंटे से एक घंटे के बीच में डाइजेस्ट हो जाए. उससे भी अच्छा है कि फूड ही ना लिया जाए, ओनली हम वाटर पे रहें, मीन्स कि फास्टिंग करें. फास्टिंग अपने आप में एक फिजियोलॉजिकल रेस्ट है. तो जब हम फिजियोलॉजिकल रेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल रेस्ट भी करते हैं, तो हमारा शरीर सेल्फ हीलिंग मोड में तेजी से काम करना शुरू करता है. तो जैसे ही आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी जो एनर्जी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में लग रही थी, वो सेव होकर आपके शरीर की क्लीनिंग के में लग जाएगी, शुद्धि में लग जाएगी. आपके शरीर में जो भी एक्सेस ऑफ केमिकल्स हैं, वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आपके किडनी से, आपके लीवर से, आपके स्किन से, आपके ब्रेथ से.
तो इसको हम डिटेल में जब हम फास्टिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हम उसमें समझेंगे। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का वो क्या है, बॉडी हील्स इट्सेल्फ, शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है। इस सेंटेंस पर, इस वाक्य पर हमारा भरोसा होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि हमारा शरीर एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को होल्ड करता है। जैसे कि हम अपने लैपटॉप में, मोबाइल में एंटीवायरस यूज करते हैं, ऐसे भगवान ने हमारे शरीर में एक एंटीवायरस सिस्टम या सेल्फ हीलिंग सिस्टम से लोड करके रखा है, और हम उस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से एक्टिव बना के रखें। उसको एक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, फिजिकल रेस्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल रेस्ट चाहिए, फिजियोलॉजिकल रेस्ट चाहिए, एडिशनली इसको बहुत सारे विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ताकि जो भी टूट फूट शरीर में हुई है उसको वो अच्छे से रिपेयर कर सके। तो ये हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।